चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। इस मामले में अपराध की प्रकृति और सजा के संबंध में मानक और प्रत्यक्षवादी पदों के बीच झगड़ा शामिल है। फुल स्टॉप। संविधान को ध्वजा स्तंभ मानकर इस खींचतान का परिणाम निम्नलिखित विवेचन में खोजा गया है। फुल स्टॉप। यह अपील 2017 की रिट याचिका संख्या 687 के साथ 2019 के एपीओ संख्या 8 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12/12/2019 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। फुल स्टॉप। इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त कानून प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 जैसा कि बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित है। फुल स्टॉप। संक्षेप में 2016 अधिनियम का एक संभावित प्रभाव है। फुल स्टॉप। हालांकि इस अपील में एक विशुद्ध कानूनी प्रश्न उठता है, लेकिन विश्लेषण पर विचार करने से पहले एक संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना आवश्यक है। फुल स्टॉप। 2/5/2011 को प्रतिवादी कंपनी ने अपने नाम पर विभिन्न विक्रेताओं से कुल ₹9,44,00,000 पर एक संपत्ति खरीदी। फुल स्टॉप। पैरा। तदनुसार दिनांक 29/8/2017 को आयकर उपायुक्त 2016 अधिनियम की धारा 24(1) का उपयोग करते हुए प्रतिवादी कंपनी को नोटिस जारी किया कि वह कारण बताए कि उपरोक्त संपत्ति को बेनामी संपत्ति और प्रतिवादी कंपनी को बेनामीदार क्यों नहीं माना जाना चाहिए। फुल स्टॉप। 2016 अधिनियम की धारा 2(8) के अर्थ के भीतर। फुल स्टॉप। 6/9/2017 को प्रतिवादी कंपनी ने उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए इनकार किया कि अनुसूचित संपत्ति बेनामी संपत्ति है। फुल स्टॉप। निर्णय प्राधिकारी आदेश दिनांक 24/11/2017 द्वारा। फुल स्टॉप। 2016 अधिनियम की धारा 24 के तहत संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश पारित किया। फुल स्टॉप। उपरोक्त कुर्की आदेश से व्यथित फुल स्टॉप। प्रतिवादी कंपनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के
के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। फुल स्टॉप। उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18/12/2018 के एक आदेश द्वारा न्याय निर्णायक प्राधिकारी को 12 सप्ताह के भीतर कार्यवाही समाप्त करने के निर्देश के साथ किया गया था। फुल स्टॉप पैरा। व्यथित होकर प्रतिवादी कंपनी ने 2019 के एपीओ नंबर 8 के उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर की। फुल स्टॉप। उच्च न्यायालय ने दिनांक 12/12/2019 के आदेश के तहत कारण बताओ नोटिस दिनांक 29/8/2017 को रद्द कर दिया। फुल स्टॉप। माना गया कि 2016 अधिनियम में पूर्वव्यापी आवेदन नहीं है। फुल स्टॉप। पूर्व संशोधन अधिनियम के अनुसार बेनामी लेन देन के खिलाफ कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिए कोई मशीनरी या प्रक्रिया नहीं थी। फुल स्टॉप। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रक्रिया की कमी की इस बुराई को दूर करने के लिए संशोधन अधिनियम जो एक समेकित अधिनियम था लाया गया था। फुल स्टॉप। यह कोई ऐसा अपराध नहीं था जिसे पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की मांग की गई हो। फुल स्टॉप। लेकिन 1988 के अधिनियम को लागू करने के लिए केवल प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है। फुल स्टॉप। उन्होंने कहा कि पूर्व संशोधन अधिनियम पहले से ही बेनामी लेन देन को कानून के विपरीत मानता है। फुल स्टॉप। और इसलिए कोई नया या ठोस कानून नहीं बनाया जा रहा है। फुल स्टॉप। यह स्थापित कानून है कि प्रक्रियात्मक कानून को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है और पूर्वव्यापी आवेदन के खिलाफ रोक केवल मूल कानून पर लागू होती है। फुल स्टॉप। मौजूदा अधिनियम में संशोधन लाने का विदाई इरादा न कि कोई नया कानून बनाने का, यह सुनिश्चित करना था कि पूर्व संशोधन अधिनियम के संचालन के दौरान बेनामी लेन देन में शामिल व्यक्तियों को कोई छूट नहीं दी गई है। फुल स्टॉप। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 5 और धारा 27 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि धारा वह तंत्र प्रदान करती है
जिसके माध्यम से बेनामी संपत्ति को निर्णायक प्राधिकरण द्वारा जब्त किया जा सकता है। फुल स्टॉप धारा 27(3) के अनुसार एक बार जब प्राधिकरण द्वारा जब्ती आदेश पारित कर दिया जाता है तो संपत्ति में अधिकार केंद्र सरकार में निहित हो जाते हैं। फुल स्टॉप यह दोहराया गया कि जब्ती कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है क्योंकि इसके नागरिक परिणाम होते हैं। फुल स्टॉप दोनों फुल स्टॉप अधिग्रहण और जब्ती प्रकृति में नागरिक है और इसलिए उनका परस्पर उपयोग किया जा सकता है। फुल स्टॉप समाप्त।